नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। आपका अपना फेमस टीचर निखिल सोनी आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है, मैंने हेडिंग डाल दी है पहले से ही ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। हेडिंग है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज इन इनडेफिनिट टेंस। ध्यान देना, इनडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूस टेंस। और यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो आराम से समझ में आएगा। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो कैटेगरीज है, किन की कैटेगरीज, वर्ब्स की कैटेगरीज है, इनको जनरली हम यूज़ करेंगे। कहाँ करेंगे? इनडेफिनिट टेंस में। और कहाँ नहीं करेंगे? कंटिन्यूस टेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं होंगी, हो सकती है, बट जनरली क्या होने वाला है, हम इन्हें यूज़ करेंगे इनडेफिनिट में, ना कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में। मैंने कहा है इनडेफिनिट टेंस में। और कहाँ नहीं करेंगे? कंटिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे। अब वो कैटेगरीज को भी हम समझ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली कैटेगरी मैंने बनाई है सेंस। आप सभी को पता है अपने सेंस होते हैं, सेंसेज होते हैं ना, कहते हैं ना सिक्स सेंस होते हैं। अब वो सेंस देखिए एक बारी, सी देखना, टच इंद्रियां बोलते हो ना आप जिन्हें, इंद्रियां हिंदी में, उन्हें ही हम सेंस बोलते हैं। सी टच, टेस्ट, स्मेल, हियर, साउंड, ये सभी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या है, हमें सेंस के बारे में बताती है। और इनके साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते, इन्हें हम कभी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते कभी। इन सेंस जनरली, जनरली हम नहीं करते, ठीक है, कि सीइंग नहीं करते, टचिंग नहीं करते, टेस्टिंग नहीं करते, करते हैं कभी कभी, वो मैं बताऊँगा आपको। स्मेलिंग भी होती है बट स्पेसिफिक सेंस में होती हैं, हियरिंग भी होती है, साउंडिंग भी होती है, बट ये कहाँ होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियोस में। पर जनरली हम इनका यूज़ करते हैं इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इनके कब आईएनजी लगती है? इनका एक स्पेसिफिक सेंस निकलेगा, वो सेंस भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखना दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई फीलिंग। फीलिंग तो आप सभी को आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फीलिंग और इमोशन को आप अलग रखना, इमोशन सभी के अलग अलग होते हैं, फीलिंग सभी की सेम होती है। फीलिंग सभी की सेम कैसे होती है? आप गर्म तवे पे अपना हाथ रखोगे तो क्या हाथ जलेगा क्या? कहोगे वाह यार बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। अगर मेरा हाथ जल रहा है, मैं कह रहा हूँ आह बहुत गर्म है, आप भी सेम रिएक्शन करोगे, ठीक है। ये नहीं कहोगे ना यार बड़ा मुलायम है ये तवा, तो नहीं कहोगे, नहीं करोगे ना। बात समझ में आ रही है? इमोशंस अलग होती है, फीलिंग हम इन्हें अलग लेके आ रहे हैं। फीलिंग इन सेंस, जो अपने सेंसेस हैं उन्हें, उनमें से ही मैंने इसको निकाला है फील को। देखना लव, बड़ी हंसी आ रही है, सभी के सभी दिल जले बैठे हैं यहाँ पे। कभी है ना किसी को जाके मत कह देना आई एम लविंग यू, भाई खींच के चपाट पड़ेगा और बोलेगी पहले जाके निखिल सर से इंग्लिश सीख ले आया, हाँ नहीं तो ठीक है। आई एम हेटिंग यू, आई एम लाइकिंग यू। बात समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही होगी कि ये कुछ फीलिंग्स वाले बताने वाले वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम क्या नहीं करते, आईएनजी फॉर्म्स नहीं लगाते हैं, इन्हें हम जनरली सिंपल टेंस में, इनडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। उसके बाद हमें मिला मेंटल प्रोसेस। कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिन्हें हम क्या करने वाले होंगे, जिन्हें हम करेंगे दिमाग लगा के, हम उनका उन हमें वो वर्ब्स कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनमें क्या होगा, हमें ऐसा फील होगा कि हम हमारा दिमाग, हमारा माइंड यूज़ कर रहे हैं, उसका कचरा निकाल के हम उसको रियलिटी में सही काम में ले रहे हैं, ठीक है। जो कचरा आप लोगों ने भर रखा है उसको साइड में करोगे आप, और फिर उसका जो सही जिस काम के लिए दिमाग बनाया उस काम में आप लोगे, ठीक है। जैसे कि देखो नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है, जानना। अब आपको पता है कि आप दिल से तो जानते नहीं, हाथों से आप जानते नहीं, कहाँ से जानते हो, सारी मेमोरी कहाँ फीड होती है, यहाँ पे। तो क्या है ये मेंटल प्रोसेस? मैंने ये कैटेगरीज बनाई ताकि इनको पढ़ने के लिए इजी हो सके, ठीक है। वैसे आप गाइड में और अलग अलग बुक्स में इन्हें अलग अलग रूप में पढ़ोगे, बट इनका सिंपली मीनिंग ये निकलने वाला है, ठीक है। देखना आगे दोस्तों, थिंक कहाँ से सोचोगे, घुटनों से, ठीक है। कहते हैं कई लोग घुटनों से सोचते हैं, बट पार्ट जोक से पार्ट, बट कहते हैं कि थिंक, थिंक मतलब सोचना, कहाँ से सोचोगे, अरे भाई दिमाग से ही सोचोगे ना, तो क्या है मेंटल प्रोसेस है। अंडरस्टैंड, कंसर्न, इमेजिन, बिलीव, रियलाइज, रिकग्नाइज, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो क्या कहती है, हमें बताती है कि ये सब क्या है, मेंटल प्रोसेस है। इन सभी में हमें
हमारे दिमाग की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनका जंग हमें हटाना पड़ेगा इन सभी वर्ब्स के लिए, ठीक है, सोचने के लिए आपको दिमाग की जंग उतारना पड़ेगा। अब आगे मेरे पास एक और कैटेगरी आई, पजेशन नाम से, इसका मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व है कि आप किसी चीज़ के मालिक हो, ये चीज़ आपकी है, ऐसा कुछ बताने के लिए जो वर्ब्स हम यूज़ करते हैं उन वर्ब्स की कैटेगरी बनाई मैंने पजेशन नाम से। और इन वर्ब के भी हम साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, सिंपली कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट टेंस में। देखना, हैव, वांट, बिलोंग, ऑन, नीड, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमें बताती है कि ये सब कुछ क्या है, पजेशन बताती है। ये सब क्या बताती है, पजेशन, जो क्या है कि ये आई हैव ए ब्लैक ड्रेस, आई हैव ए मर्सिडीज, ठीक है दोस्तों, आपकी बात समझ में आ रही होगी, आई वांट ए न्यू बैग, कहानी समझ में आ रही होगी, ही नीड सम कॉमन सेंस, उसे कुछ कॉमन सेंस की ज़रूरत है, उसके पास है ही नहीं, मेरे पास क्या है, एक मर्सिडीज है, जोक से बात आएगी भाई कभी कभी वो भी आएगी, ठीक है। हमने देखा पोजीशन बताने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इनको भी हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है पोजीशन नाम से, इनका भी यूज़ कहाँ करेंगे, इंडेफिनेट में, कहाँ नहीं करेंगे, कंटिन्यूस में, जनरली। फिर एक कैटेगरी मैंने बनाई अपीयरेंस नाम से, किस नाम से, अपीयरेंस नाम से, कि ऐसे वर्ब्स जो हमें अपीयरेंस बताते, जैसे कि देखना, लुक, अपीयर, सीम, एक और है रिसेंबल, बात समझ में आ रही है, लुक मतलब देखो, ही इज़ लुकिंग भी होता है, ही लुक्स भी होता है, जब लुक की बातें करेंगे तब हम तसल्ली से समझेंगे बातों को। अभी के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि लुक का यूज़ होता है प्रतीत होना, और इसका जो सिंपल मीनिंग निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, इनडेफिनेट में। अगर हम कहेंगे ही इज़ लुकिंग ग्रेट, सॉरी ही इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, सॉरी सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिख रही है, बट इसका सेंस क्या निकल रहा है, वो आज ही सुंदर दिख रही है, ठीक है, और दिन नहीं लगती। अगर हम कहें इससे लुक्स ब्यूटीफुल, वो अच्छी दिखती है, हमेशा ही दिखती है, हम कुछ स्पेसिफिक नहीं कहते, हमने कहा सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, वो आज अच्छी लग रही है, तो मतलब उनका बदल जाता है, कहने का सेंस बदल जाता है। इसलिए लुक का जो जनरल मीनिंग होता है वो जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट में। इस पर कल का जो लेक्चर होगा वो इन पर ही होगा, अलग अलग वर्ब्स को मैं समझाऊंगा कैसे आईएनजी लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, उनका मीनिंग कैसे चेंज होगा, ये सारी बातें हम करेंगे कल की वीडियो में। आज देखो फिर जो भी वर्ब्स बच गई ना इनके अलावा, उन सारी वर्ब को मैंने इकट्ठा किया और एक और कैटेगरी बनाने की कोशिश की जिसे मैं कहूँगा मिसलेनियस। अब इस कैटेगरी में आप कुछ भी डाल सकते हो। देखना, मैटर, देखो इट इज़ नॉट मैटरिंग, थोड़ा सा ना छीछी सा लग रहा है, गंदा लग रहा है, तो क्या होता है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, क्योंकि मैटरिंग हटाने का मतलब नहीं, हमें टेंस हटाना पड़ेगा, इट इज़ नॉट मैटरिंग को हमने, इस नॉट मैटरिंग को हटा के मैंने किया डज नॉट मैटर, बात समझ में आ रही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस एम आर, इसकी होती है डू डज, तो इस नॉट मैटरिंग को हटाया मैंने, किया डज नॉट मैटर, ठीक है। इक्वलिंग, बैलेंसिंग, डिपेंडिंग, प्रोमिसिंग, सेटिस्फाइंग, सरप्राइजिंग, एग्रींग, डिनाइंग, ये सारी वर्ब्स का जनरली यूज़ हम कौन से टेंस में करते हैं, इनडेफिनेट टेंस में, और कहाँ नहीं करते, कंटिन्यूस टेंस में जनरली, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये वर्ब्स की कैटेगरी समझ में आई होगी, एक बार आप सारे लिख लीजिए इनको। तो दोस्तों शायद आपने पहले वाला पॉज करके लिख लिया होगा, अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जो हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, आई एम सीइंग यू, कुछ अटपटा लग रहा है ना, लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एज फॉर सेंस, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आई सी यू, कहाँ पे, बात समझ में आ रही है, क्या बन गया, आई सी यू। फिर देखना, सी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, अब आपको पता ये जो रिस्पेक्ट है ये कहाँ बता रही है कि ये क्या है, कुछ फीलिंग है, तो फीलिंग है तो मैंने क्या किया, शी रिस्पेक्ट्स हर, इसको इस रिस्पेक्टिंग को हटा के मैंने किया शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। उसके बाद आया राज इज बिलीविंग अस, तो शायद आपको कहानी समझ में आई है कि जो बिलीव है ये क्या है, ये क्या है, कि शायद आप कहना चाहते हो ये क्या है, एम पी मीन्स मेंटल प्रोसेस, क्या है, मेंटल प्रोसेस, और मेंटल प्रोसेस आती है तो हम इसको कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, राज
बिलीव्स अस, राज क्या है, हम पे बिलीव करता है, इस बिलीविंग ना के मैंने किया, बिलीव्स अस। ही इज सीमिंग अनहैप्पी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ही इज सीमिंग अनहैप्पी टूडे। अब जो अनहैप्पी सीम हो रहा है तो आपको पता है क्या बता रहा है ये, ए फॉर अपीयरेंस। और जब अपीयरेंस बता रहा है तो आप यहाँ कहना चाहते हो कि ही सीम्स अनहैप्पी टूडे, वह आज कुछ अनहैप्पी फील, अच्छा अनहैप्पी प्रतीत हो रहा है, अनहैप्पी सीम हो रहा है। उसके बाद देखना अगला क्या है, केशव इज नीडिंग। अब आपको पता है उसे क्या है, केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस। अब जो केशव है उसे कुछ कॉमन सेंस की ज़रूरत है। जब आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है, तो आप बताना चाहते हो क्या, पोजेशन। और जब आप पोजेशन बताना चाहते हो, जब आप पोजेशन बताना चाहते हो तो आप यूज़ करना चाहते हो कोई सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो मैंने कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या हो जाएगा, केशव नीड्स सम कॉमन सेंस। अब एस क्यों लगाया आपको पता ही होगा, क्योंकि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ए एस लगना है। इट इज़ नॉट मैटरिंग। अब बात आती है कि मैंने ये बोल के भी बताया था सेंटेंस कि ये जो मैटर है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एम आई एस मतलब मिसलेनियस। जो मिसलेनियस कैटेगरी वो कहती है कि कौन सा टेंस यूज करो आप, डस नॉट मैटर कर दो भाई, क्या कर दो, डस नॉट मैटर की आप जनरली इनका यूज करो प्रेजेंट इंडेफिनेट में। फिर देखना, ही इज वांटिंग ए न्यू बैग। अब इस वांटिंग को मैंने हटाया और क्या लिख दिया लास्ट में, मैंने ही वांट्स, ही वांट्स ए न्यू बैग। शायद ये भी कौन सी बता रहे हैं, पी फोर पोजेशन। शायद आपको आज की वीडियो की कहानी समझ में आई होगी, हमने बात की कुछ ऐसे कैटेगरीज की जो क्या है इनडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, कहाँ नहीं होती है, कंटिन्यूस में जनरली नहीं यूज़ होती, मैंने कहा जनरली। कल हम बात करेंगे, हर एक वर्ब के दो मीनिंग निकलते हैं, एक जनरल सेंस और एक स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस में उसका मीनिंग क्या होता है, उस स्पेसिफिक सेंस में उसका मीनिंग क्या होता है, ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइज करना, कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, पर्सनली आपको रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।